ओके जी, सो द नेक्स्ट हमारे पास दिस इज द सेशन थ्री बेसिकली. नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है कंडीशन वो क्या है, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से. आई विल टेक अ लिटिल लिटिल वेरी लिटिल पॉज ओवर हियर, ठीक है, एंड आई विल लेट यू पीपल डिसाइड कि इसमें क्या होता होगा आपके ख्याल. यू सी वॉट इट सेइंग, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा डीएफए आप क्या करें, कंस्ट्रक्ट करें जो कि तमाम सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती हो. किस लैंग्वेज के ऊपर बेस हो, ये उसने यहाँ पर बताया है, किस लैंग्वेज के ऊपर बेस हो, 0 1 पे बेस हो. ओके, और यहाँ पर उसने देखो लेंथ का फैक्टर डाल दिया, ठीक है. ये लेंथ वाले क्वेश्चन, इसको मैं बाद में दोबारा देखूंगी, ठीक है. अभी यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि मुझे पता था कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होनी ही होनी है, जो अभी जैसे आपके क्वेश्चन भी आए हैं लेंथ के, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेंथ की डाल दी, ठीक हो गया. अच्छा, लेंथ वाले आप ऑलरेडी कर चुके हो, बट ये अगर आपको अभी, ये छोटा सा हम इसका ओवरव्यू लेते हैं. और फिर तीन तरीके से है, मैंने अब तक आपको किस पे फोकस करवाया है कि हमें ये कंडीशन दी हो कि स्टार्ट यहाँ यहाँ से होना चाहिए, ठीक है. हमारे पास ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जो हम आगे देखेंगे कि एंड इस पे होना चाहिए, ठीक है. और फिर हमारे पास ये भी आ सकता है कि वो हमें बताए कि लेंथ इतनी होनी चाहिए, ये नहीं बताया कि स्टार्ट कहाँ से होना है और एंड कहाँ से होना है, बस लेंथ इतनी होनी चाहिए, ठीक है. तो उसने जो हमें कंडीशन दिया, उसने कहा लेंथ 2K तमाम जो 0 1 की अल्फाबेट के ऊपर बनती हो वो तमाम चीजें जो है आपकी एक्सेप्ट हो जानी चाहिए. तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो हमें अपनी लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर, दिस विल बी आवर स्टेप नंबर 1. तो इस लैंग्वेज के मुताबिक मेरे तमाम पॉसिबल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या हो सकती हैं. देखो लेंथ 2 है ना और 0 1 पे है, तो लेंथ 2 के हिसाब से इट कुड बी 0 0, इट कुड बी 0 1, इट कुड बी 1 0, इट कुड बी 1 1. ये जो मैंने आगे डॉट डाला है, नाउ यू हैव टू टेल मी कि क्या ये ठीक है या नहीं है, ठीक है. ये अब आपका छोटा सा क्यूरी है इसके बारे में, ठीक है. सो जस्ट डिसाइड. सो नो, हमारे पास ये चार चीजें जो है वो क्या आ गई हैं, पॉसिबल मेरे पास क्या आ गई है, लेंथ आ गई है जो 2 पे हो सकती है, ठीक है. अब इसका कैसे बनाएं, मेक श्योर यहाँ पे उसने हमें ये नहीं बताया कि 0 से स्टार्ट करना है या 1 से स्टार्ट करना है, और तमाम की तमाम मेरी लेंथ 2 पे हैं. तो हम सिंपली यहाँ पर देखो ये भी नहीं चूज कर सकते कि इसमें से सिंपलेस्ट 1 कौन सा है, क्योंकि तमाम चार ही तो पॉसिबल है और सारी दो दो के हिसाब से है, ठीक है. तो अब हमें एक रैंडम 1 क्रिएट करना है. तो लेट मी क्लियर एंड मूव टू आवर व्हाइट बोर्ड, ठीक है, जहाँ पर हम सॉरी जहाँ पे हम डिसाइड कर सके. अच्छा, ये हम क्लियर कर देते हैं, इस पे हम चले जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर. नाउ हम अपने कैनवस को क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है. ओके जी, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, स्टार्ट विद एन इनिशियल स्टेट, हम क्या करते हैं, हमेशा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. मेंशन आपने करना है व्हाट हैपेंस अगर आपका जो पहला है, लेट्स सपोज कि मैं इसको ए का नाम दे दूं, व्हाट हैपेंस इफ योर ए इज गोइंग टू गेट इनपुट 0 और 1, ठीक है. यहाँ पर देखो कोई वो नहीं दिया हुआ, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, एक सर्कल मैंने ले लिया और उसको मैंने ए का नाम दे दिया, दैट इज माई स्टार्टिंग, ठीक है. अब 0 और 1 में से कुछ भी आ सकता है, यू नो यू हैव नॉट एनी काइंड ऑफ कंडीशन के 0 से शुरू हो और 1 से शुरू हो. तो इस तरह की चीज के लिए हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, वी हैव टू मूव ऑन बी स्टेट, ठीक है. और यहाँ पे इट कुड बी 0, इट कुड बी 1, ठीक है जी. देखो कंडीशन में हमें ये नहीं बताया कि स्ट्रिंग जो है वो शुरू कहाँ से होनी है. इट वुड इधर भी है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. ओनली कंडीशन इसके इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है, दैट्स इट. फिर चाहे वो 0 आए या 1 आए, हमें उसको नेक्स्ट स्टेट पे भेजना ही भेजना है. अब अगर मैं यहाँ से ए से बी तक आ चुकी हूँ, तो टेल व्हाट विल बी द क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग अप टू नाउ. अब तक हमें कितनी लेंथ मिल चुकी है, माइट भी मेरे पास 0 आए या माइट भी मेरे पास यूजर ने 1 दिया, लेकिन बहरहाल ये मेरे पास 1 लेंथ हो चुकी है. नाउ व्हाट हैपन, मुझे दूसरी लेंथ कंप्लीट करने के लिए एक और स्टेट डेवलप करनी है, ठीक है, जो लेंथ 2 को ले, ठीक है. लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू मार्क इट एज माय स्टेट, यू नो सेकंड स्टेट, ठीक है. तो वो क्या होगा, वो डैट वुड बी 0, सॉरी सी स्टेट, और ये 0 यहाँ पे दोबारा आ सकता है, यहाँ पे 1 भी आ सकता है. क्या ये लेंथ 2 हो गई है, बिल्कुल हो गई है. तो हमें इसको क्या बनाना है, इसको हमें फाइनल स्टेट जो है वो कंसीडर करना है. सॉरी माई सर्कल्स आर टू बैड फॉर नाउ, आई एम ट्राइंग के सही हो जाए, ठीक है. अच्छा, नाउ माई क्वेश्चन इज दिस,
क्या ये कंप्लीट हो गया है? देखो, जीरो और वन दोनों में, ए और बी के लिए दोनों में मैंने मेंशन कर दिया है। जो मिसिंग है वो कहाँ का है? वो सी का है, जहां पे मैंने ये मेंशन नहीं किया कि अगर हम सी पर आ गए हैं तो यहाँ पर आकर अब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली वी ऑलरेडी कंप्यूट के भाई इधर सी पे आके आपकी लेंथ क्या हो चुकी है। देखो, हम टू लेंथ को कवर करते हुए आए हैं। जीरो से स्टार्ट हुए, हो सकता है यहाँ पे वन आ जाए, वन से स्टार्ट हुए, हो सकता है यहाँ पे जीरो आ जाए, या हो सकता है जीरो के बाद जीरो आ जाए या फिर वन के बाद वन आ जाए। ठीक है, दो लेंथ हमने कम्प्लीट कर ली है। सो वॉट विल हैपन अगर कोई तीसरी आती है? तो वो क्लियर, यानी कि वो नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक अपनी ट्रैप स्टेट बना लेते हैं, यानी कि स्टेट डी बना लेते हैं। ठीक है, और इसको डी का नाम देते हैं। आप इसको इस शेप में, सीधी शेप में भी लेकर जा सकते हो। मेरे पास एक्चुअली आपके पार्टिसिपेंट्स लिस्ट आ रही है, इसलिए मैं सीधा नहीं लेकर जा रही। और ओवर हियर क्या ये अब कंप्लीट हो गया? अच्छा, हमने यहाँ पर लेबलिंग भी करनी है। जीरो आए या वन आए तो ट्रैप स्टेट में चला जाए, और इसकी लेबलिंग हम कर देंगे कि नो मैटर यहाँ पे जीरो है वन है, खुद ही मेरा सिस्टम जो है वो हॉल्ट हो जाएगा। ये डेड स्टेट है, ट्रैप स्टेट है, बार बार रिपीट कर रही हूँ डेड स्टेट। फैंसी जुमला बोलो तो ये होगा कि जहाँ पे जाने का तो रास्ता है लेकिन वहां से वापस आने का रास्ता नहीं है। टेक्निकल टर्म यूज करो तो इट्स सो सिंपल कि ऐसी स्टेट जिसका रास्ता आपकी फाइनल स्टेट तक ना निकलता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैप स्टेट कहते हैं या फिर डेड स्टेट कहते हैं, डेड स्टेट। ठीक है जी, तो ये मेरे पास सिंपल सा इसका था। आई होप सो ये आपको क्लियर है। Assuming, now this, यहाँ पर जो क्वेश्चन की सेंस है वो क्या कहती है? हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई अभी तो हमने अपना एक डीएफए, मिनिमल डीएफए बनाया जो कि अल्फाबेट ए बी पे है। ठीक है, बट यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डन द लेंथ क्वेश्चन, लेकिन ये मैंने अभी तक सिर्फ एक किया है। मैं आपकी एट द एंड ऑफ दिस मेरे पास दो और क्वेश्चन हैं लेंथ के ऊपर जो हमने लाजमी करने हैं, जो हमारी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैंने अब तक आपको क्या करवाया है? मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास किसी स्ट्रिंग को ये बताया जाए कि भाई इससे स्टार्ट होना चाहिए तो उसको हम कैसे डील करते हैं। अब हम क्या देखने जा रहे हैं विद द सिंपलेस्ट सब स्ट्रिंग्स, कि अगर हमें ये कहा गया हो कि हमारी स्ट्रिंग शुरू में तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड किस पे होनी चाहिए, किसी खास चीज पे एंड होनी चाहिए, तो ये अब हम देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करो जो किस पे एंड हो विद अ सब स्ट्रिंग डब्ल्यू, और राइट नाउ डब्ल्यू के लिए पहली सिचुएशन जो उसने दी है वो ए बी है। मींस कि आपके यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, एनी काइंड ऑफ नंबर जो है वो आ सकता है, लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या है कि वो किस पे एंड होनी चाहिए, ए बी पे एंड होनी चाहिए। दैट्स योर स्टोरी। ठीक है, सो योर स्टेप नंबर वन, आपको देख लिया आपने कि अल्फाबेट आपका क्या है। यस, मेरा अल्फाबेट ये है, ए बी है। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप यहाँ पर ए ए बी बी के मतलब के बारे में सोचो कि यार मतलब लेट सपोज के जैसे ये स्ट्रिंग क्या एक्सेप्टेड है, ये स्ट्रिंग क्या एक्सेप्टेड है, या कोई और स्ट्रिंग्स जो है वो एक्सेप्टेड है, लेट सपोज इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो क्या ये चीजें एक्सेप्टेड हैं? आप जाए इसके बारे में सोचो और अपने लिए बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स को निकालो। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले तो आप क्या करो, अपनी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस थिंग। फॉर दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई योर लैंग्वेज। आपने लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर ली। यू नो कंडीशन क्या थी कि ए बी पे एंड होना चाहिए, तो ए सबसे सिंपलेस्ट वन क्या आ जाएगी, खुद ए बी ही आ जाएगी। हाउ इजी इज दिस थिंग? ठीक है, चाहे वो एंडिंग है या स्टार्टिंग है। ठीक है, स्टेप वन लैंग्वेज आइडेंटिफाई, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग खुद ए बी ही होगा, क्योंकि ए बी खुद ए बी पे ही जो है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी भी हो सकता है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग भी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है जो ए बी पे एंड हो, फिर ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, और कॉम्प्लेक्स वंस जाती जाएंगी। सिर्फ सिंपली क्या देखना है कि आपके ए बी के ऊपर क्या हो, एक्सेप्ट होता हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास चीजें सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम एंडिंग को डील कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद करने वाले हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। ठीक है, सो लैंग्वेज हमने आइडेंटिफाई कर ली, उस लैंग्वेज में से हमने सिंपलेस्ट वन उठाया, डैट इज गोइंग टू कॉल्ड ए बी। ठीक है, और लेट अस यूज सम काइंड ऑफ फैंसी कलर। अच्छा जी, सो समहाउ हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, अपनी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है। ठीक है, माय इनिशियल स्टेट वुड बी लाइक यू जीरो। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, इनिशियल स्टेट होगी। ठीक है जी, अच्छा
मुझे क्या एक्सेप्ट करना है, मुझे ए को एक्सेप्ट करना है. तो इफ आई एम गोइंग टू डू ए, सो आई एम सेइंग कि इफ अगर मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, ए मिलता है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ऐसी स्टेट पे मूव कर जाती हूँ जिसको मैं किसका नाम दे दूँ, Q1 का नाम दे दूँ, क्योंकि क्या मैंने ए को एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, देखो एंडिंग पैटर्न वाले क्वेश्चंस में एक बात याद रखना, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर मुझे नहीं आप ध्यान से सुन रहे हो तो ध्यान से मेरी ये लाइन सुनो और इसको हिफ्ज कर लो. एंडिंग पैटर्न वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिनमें हमें एंडिंग पैटर्न का बताया होता है, उसके अंदर हमारे पास डेड स्टेट नहीं आती है. ठीक है, तो ये अब यहाँ पे ये चीज आपका कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर इंक्रीज करेगी कि भाई पहले तो स्टार्टिंग स्टेट थी, हम कहते थे इससे स्टार्ट हुआ तो ठीक है, इससे नहीं हुआ तो सीधा आप उसको डेड स्टेट में थ्रो कर दो, इजी हो गया. बट जो एंडिंग वाले होते हैं ना, जिनके शुरू में कुछ भी आता हो लेकिन एंडिंग ये खास उस पर होते हैं, उस पर आपने याद रखना है कि वो आपके डेड स्टेट उसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होती है. मतलब अगर आपका स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, बी से स्टार्ट हो जाता है, लाइक बी 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 जो है वो अभी आ रहा है. ठीक है, तो लास्ट में शायद हम उसकी उसकी रीजन ये है कि लेट्स सपोज कि मैं दोबारा से आपको ये चीज बताती हूँ, लेट मी क्लियर दिस थिंग ताकि आप लोगों का आसान हो जाए. देखो मैंने क्या किया, लेट्स सपोज अगर ये ए बी मेरे पास क्या होता, स्टार्टिंग स्टेट होती, तो मैं सिंपली क्या कहती, भाई ए से शुरू हो फिर बी से शुरू हो, और अगर स्टार्टिंग में बी से शुरू हो तो वो कहाँ पे आ जाए, डेड स्टेट में आ जाए, चलो जी खत्म हो गया. ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवर हियर. ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा इफ यू आर डीलिंग विद दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसके अंदर आप क्या देख रहे हो, एंडिंग स्टेट देख रहे हो, तो एंडिंग स्टेट में आपके पास डेड स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं होती. उसकी रीजन क्या है, लेट सपोज कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है बी 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 से हो रही है, तो आप क्या कहोगे कि मेरी मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा या करूंगी. ठीक है, आप ये कहोगे नो, क्योंकि सी आपके पास स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, वी डोंट केयर फॉर दिस. हो सकता है अगर आपका बी 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 आ गया है तो इसके बाद जो स्ट्रिंग आ रही है जिसपे ये एंड हो रही है वो क्या आ जाए, ए बी आ जाए. ठीक है, तो हमने तो एंडिंग स्टेट को देखना है, तो शुरू में कुछ भी हो सकता है, दैट्स व्हाई हम कभी भी इसको डेड स्टेट में नहीं फेंकते हैं. उसकी रीजन यह है कि वी डोंट नो कि एंडिंग किस पे हो जाए और कभी भी किस एंड पे जो है वो आपका ए बी इन्वॉल्व हो सकता है. ठीक है, तो लास्ट में हम कहते हैं शायद आ जाए. तो सम हाउ क्या अगर कोई पैटर्न बी 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 से शुरू हो रहा है, शुरू शुरू हो रहा है, तो क्या ये एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यस ये एक्सेप्ट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि एंडिंग पैटर्न वालों में जब तक आपकी स्ट्रिंग की एंडिंग नहीं आ जाती, फॉर एग्जांपल एंडिंग नहीं आ जाती, तो हमें नहीं पता लगता कि हमारा जो स्ट्रिंग है हमारी मशीन ने उसको एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है. ठीक है, सो राइट नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर थिंग कि हमारे पास क्या है, क्यू नॉट थी, हमने ए को लिया, Q1 पे आई. ठीक है, अब हम क्या लेंगे, लेट मी क्लियर ऑल दिस ताकि आप लोगों के लिए मैथ्स जो है वो खत्म हो जाए. तो इसके बाद हम कहाँ पर आ गए, हमने क्या किया, बी को देखा. ठीक है, इफ इफ बी आता है तो हम क्या कर दें, एक स्टेट बना दें जिसको हम किसका नाम दे दें, Q2 का नाम दे दें. आई होप सो ये ग्लिटरिश कलर आपको बुरा नहीं लग रहा होगा. ठीक है, अच्छा तो देखो अब हमने क्या सेट कर लिया, ए आया. ठीक है, ए आया और ए के बाद क्या मिले मुझे, बी मिल जाए, तो ये क्या हो, मेरा एक्सेप्ट हो जाए. अब व्हाट वी नीड टू डू, हमें Q1 के हिसाब से, लेट सपोज के Q2 के हिसाब से हम देखते हैं, लेकिन लेट्स सी कि आपको किसके बारे में सोचना है, सबसे पहले Q0 के बारे में सोचना है. ठीक है, जहां से आपने शुरू किया, अगर यहाँ पर बी आ जाता है, ठीक है, लेट सपोज कि अगर बी से आपकी स्ट्रिंग कोई शुरू हो रही है, तो तब आप क्या करोगे. ठीक है, देखो अगर कोई स्ट्रिंग बी से शुरू हो तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे, यस आप उसको एक्सेप्ट करोगे. क्यों, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हमारा ताल्लुक सिर्फ किससे है, कि हमारा ताल्लुक एंडिंग स्टेट को देखने से है, ए बी एंड में होना चाहिए, बट हम किसको देख रहे हैं, स्टार्टिंग. तो आप इसको यहाँ पे किसी डेड स्टेट में नहीं थ्रो करवा सकते, तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर क्यू नॉट पे बी आ जाता है तो ये अपने पास सेल्फ लूप रखे, जितना बी आना यहाँ पे आता रहे, वी डोंट केयर. ठीक है, जितना भी आने आता रहे, जैसे ए आएगा तो यहाँ से हमारी एंडिंग कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी कि एंडिंग स्टेट तो नहीं आने वाली. ठीक हो गया, तो अब ये कंप्लीट हो गया, क्यू नॉट, यस क्यू नॉट कंप्लीट हो गया. अब हम किसके बारे में सोचते हैं, Q1 के हिसाब से सोचते हैं. ठीक है, Q1 में जब हम पहुंचे हैं तो हमने एज्यूम ये किया है कि हमारे पास ए तो आ चुका है, एंडिंग के हिसाब से सोच रहे हैं ना, तो Q1 पे हम कब पहुंचे, जब हमारा ए आ चुका हुआ है, उससे पहले जो भी आया वी डोंट केयर, ए आ चुका हुआ है.
अब ए जितना भी ए आ जाए, यानी कि बी को तो हमने टैकल कर लिया है, अब क्यू वन पे अगर ए आए तो क्या हो? देखो ए जितना भी ए आ जाए, हमारी एंडिंग स्ट्रिंग खराब नहीं हो रही, अंटिल अनलेस उसके बाद अगर हमें बी मिल भी जाता है, तो देखो ये तो पैटर्न बन रहा है ना एंडिंग वाला, ठीक है? तो इसलिए हम ए को किसी टेम्परेरी स्टेट पे नहीं फेंक सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ए भी इम्पोर्टेंट है, तब जब तक ये अपना ए की सीरीज कंप्लीट करे, अगर बी आ जाता है तो दैट्स टोटली फाइन फॉर अस, ठीक है जी? तो हम क्या करेंगे, सिंपली वही जो हम कर रहे हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, ए के लिए भी क्या बना देते हैं, एक सेल्फ लूप बना देते हैं, ठीक है? अब हम क्यू टू के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में देखो जरूरी नहीं है कि आप फाइनल के बिना भी रहो, यानी कि आप स्टार्टिंग वालों पे तो हमने सेल्फ लूप लगा दिया है, जब हम हमारे पास क्या होता था, हम कहते थे भाई ए बी से, ध्यान से सुनना, ए बी से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम कहते थे अच्छा स्टार्टिंग वालों को हैंडल कर लिए, तो हम लास्ट वन पे सिंपली क्या लगा देते थे, सेल्फ लूप लगा देते थे, ठीक है? बट एंडिंग वालों पे तो हम कह रहे हैं ना कि ए और बी आ जाए, तो यहाँ पर बेसिकली एंड हम कह रहे हैं कि ये आपकी फाइनल स्टेट तब होनी चाहिए जब यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है? बट यहाँ पर जब आप आखिर में आओगे जिसमें आपने एंडिंग वालों को हैंडल करना है, तो आपको लास्ट स्टेट का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? तो कि ए भी बन रहा है या नहीं बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर सेल्फ लूप लगा देते हो और यहाँ पर ए कह देते हो कि ए जो है वो सेल्फ लूप है, इसका मतलब आप उसको कह रहे हो कि ए बी पे तो एंड हो रहा है, ये एक्सेप्ट हो रहा है, उसके बाद ए भी आ सकता है। नो, आपने सिर्फ यहाँ पर उसको एंड करवाना है, आपने उसको कोई और ऑप्शन नहीं देनी, और यहाँ पर हमारे पास सेल्फ लूप की भी ऑप्शन नहीं है, डेड की भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम किस पे जाएं? बड़े ध्यान से सोचना, Q2 पे जब हम आए हैं तो इसका मतलब हम ए बी के ऊपर एंड हो चुके हैं। अगर यहाँ पे दोबारा ए आ जाता है, इसका मतलब हमारे पास स्टिल चांस है, ध्यान से सुनना, हमारे पास स्टिल चांस है कि शायद बाद में क्या आ जाए, दोबारा बी का पैटर्न आ जाए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, Q2 से हम किधर भिजवा देंगे, Q1 के ऊपर भिजवा देंगे अगर ए आता है तो, ठीक है? सही, तो ये हमारा फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल इफ इफ ये पैटर्न आता है, ए आया, आई एम ऑन स्टार्टिंग स्टेट, मैं क्यू वन पर आ गया हूँ, ठीक है? मेरे पास बी आया, आई एम ऑन मैं किस पे आ गया हूँ, मैं क्यू टू पे आ गया हूँ, ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, फिर से ए आ गया, तो चलो मेरे पास अभी इसके हवाले से चांस था, तो मैंने इसको कहाँ भिजवा दिया, अपनी क्यू वन पे भिजवा दिया कि अगर ए आता भी रहेगा तो यही सेल्फ लूप लगता रहेगा, और फाइनल ये कब होगा, जब ये बी देगा। अब Q2 से मेरा क्या हैंडल करने वाला रह गया, व्हाट इफ अगर बी आए? देखो अगर मेरे पास ए आ गया है, बी आ गया है, और यहाँ पर अगर बी आ जाता है, तो देखो ये तो मेरा पूरा पैटर्न, पूरा सिस्टम ही खराब हो गया, यहाँ तो न्यू पैटर्न स्टार्ट भी नहीं हुआ, और फॉर एग्जांपल यहाँ तो मेरा बिल्कुल ही न्यू पैटर्न स्टार्ट हो गया, और एंडिंग की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है अभी, ठीक है? बी के बाद क्या आएगा, हमारा तो एंडिंग पैटर्न ही ए बी है, तो इधर हमें क्या चाहिए कि हम Q2 को कहाँ पे लूप करवाएं, वापस अपनी Q0 पे लूप करवाएं, अगर क्या आ जाता है, बी आ जाता है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि बी आ गया तो तुमने तो मेरा पूरा सिस्टम खराब कर दिया, अब तुम कब आओगे Q1 पे, जब तुम्हारा ए आएगा, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डील योर एंडिंग मंथ्स, ठीक है? इसकी कॉस्ट आपकी 2+1 हो सकती है, ठीक है? दैट इज बेसिकली 3, तो ये 3 स्टेट्स में बना है। सो एंडिंग वालों को हैंडल इस तरीके से करते हैं। आई एम गोइंग टू गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ योर एंडिंग, लेकिन अभी होपफुली आपको ये समझ आ गया हो।